साथियों, कल वो दिन है जिसका इंतजार हमें लगातार 13 साल से हमने किया है। कल नारनुंद में इतिहास रचा जाएगा। 52 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत से विजय होगी और मैं टीम के सभी साथियों को भी अग्रिम बधाई दूंगा जिन साथियों ने लगातार 13 साल में मेरा संघर्ष में हर कदम साथ देने का काम किया, जिन मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने और मेरे भाइयों ने इस चुनाव में लगातार खड़े रहकर जस्सी पेटवाड़ से भी ज्यादा मेहनत करके इस चुनाव को जीतने की ओर आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, मैं सिर्फ आपसे आज दो बातें साझा करना चाहता हूं। एक तो सभी साथी, कल गिनती का दिन है, सभी साथी कल सुबह 7 बजे महावीर स्टेडियम के पास पहुंच जाएं। दूसरा, मेरी सभी मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, सभी से प्रार्थना है, कोई भी साथी किसी भी कार्य दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ना बहस करे, ना किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने का काम करे, क्योंकि साथियों, अगर हम झगड़ा करेंगे पूरे चुनाव में, बेमिसाल आप लोगों ने मेहनत की, बेमिसाल है, मैं खासकर मेरे नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरा दिल जीता, मेरा चुनाव जीतने का काम किया, सब कुछ आप, मतलब आप लोगों ने, मैं इतना अभिभूत हूं आप लोगों से कि आप मेरे हर नौजवान साथी ने बिल्कुल संयम के साथ, अनुशासन के साथ इस चुनाव में काम करने का काम किया। मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कल भी हम सब ने इसी अनुशासन और संयमता का परिचय देना है। पूरा हरियाणा कायल है जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा। सब यही कह रहे हैं कि जस्सी पेटवाड़ के साथियों के ऊपर जो आरोप, ये बीजेपी का जो प्रत्याशी है, जो कैप्टन अभिमन्यु, जो बहुत एक छोटी सोच का व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने जो आरोप लगाए कि उड़दंगबाज है, लड़कियां की तरफ इशारे करते हैं, लंगूर है, मैं कैप्टन अभिमन्यु जी को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा, आपने तो नीचता की हर हद पार कर दी अभिमन्यु कैप्टन जी, नीच से नीच हरकत आपने इस चुनाव में करने का काम किया, लेकिन हम आपकी तरह नीचता की कोई हरकत नहीं करेंगे। हम पूरी संयमता और अनुशासन के साथ इस चुनाव को लड़े हैं और कल भी पूरे अनुशासन और पूरी संयमता और शांति का परिचय हमारे सभी साथी देने का काम करेंगे। साथियों, मेरी इस बात का गौर कर लेना, मेरा कोई भी भाई जो अपने आप को जस्सी पेटवाड़ समझता है, जो अपने आप को जस्सी पेटवाड़ का भाई कहता है, साथी कहता है, पूरे चुनाव की तरह आपने कल भी पूरी संयमता बरतनी, किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ना बहस करनी, ना कोई किसी के साथ जिद लगानी, ना कोई झगड़ा करने का काम करना। साथियों, अगर आप झगड़ा करने लगे तो अपने में और इन छोटी सोच के व्यक्ति में क्या फर्क रह जाएगा। 5 तारीख को जगह जगह लोगों के सिर फुड़वाने का काम इस बीजेपी के प्रत्याशी ने करने का काम किया, बूथ कैप्चरिंग इस व्यक्ति ने करने का काम किया, सारे हथकंडे अपना लिए, अपने एजेंटों को शराब तक पिला के पूरे दिन बूथों के अंदर झगड़ा करवाने का काम इस व्यक्ति ने किया। लेकिन आप परिचय दो एक अनुशासित टीम का, और साथियों, कल आप बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हो। साथियों, कल से ही हमने अगले 5 साल बाद होने वाले चुनाव की पूरी तैयारी करनी है। मेरे भाइयों, हम 5 साल आगे की तैयारी करके चलेंगे कल से। मैं कोई भी साथी, मेरा जो साथी है वो ध्यान से सुन लो भाई, कोई भी साथी गांव में ना तो कोई डीजे बजाओगा, ना कोई पटाखे बजाओगा। कल से जो इस चुनाव में हमारा साथ नहीं दे पाए, कल से उन सभी से निवेदन करनी है, पूरे 5 साल उनसे प्रार्थना करनी है कि भाई तने कोई काम हो, चाहे बेशक तने वोट ना दियो, तने कोई काम हो, चाल जस्सी पेटवाड़ दौरे चलांगे, तेरा काम भी करवावांगे, सम्मान भी करवावांगे, पहचान भी करवावांगे। और कोई भी साथी किसी गांव में ना डीजे बजाएगा, ना पटाखे बजाएगा, ये मेरी पर्सनल निवेदन है भाई। और जो जस्सी पेटवाड़ का भाई है वो ये काम नहीं करेगा। और कल से भाई सारे साथी अगले 5 साल के होने वाले चुनाव की तैयारी करो, सबसे प्रार्थना करो, निवेदन करो कि भाई इस बार जो साथ नहीं दे पाए वो अगली बार हमारे साथ खड़े हों। और मैं वायदा करता हूं नारनुंद हल्के के सभी 2.25 लाख वोटरों से, कल नारनुंद हल्के का हर व्यक्ति चुनाव जीतेगा। हर आम आदमी ये सोच के सोएगा कि आज उसका बेटा विधायक बन गया, आज वो खुद विधायक बन गया, सबका सम्मान, 36 बिरादरी का सम्मान होगा, 36 बिरादरी के काम होंगे और नारनुंद का विकास होगा और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार लाने का काम हम सब करेंगे। मेरी साथियों, आप सभी से प्रार्थना है, कल 7 बजे भारी से भारी संख्या में आपने पहुंचना है, लेकिन एक सिंगल साथी ना तो कोई किलकी मारेगा भाई, ना कोई किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ झगड़ा करेगा। अरे एक बात और सुन लो भाई, यो जो कैप्टन अभिमन्यु जो है बीजेपी का प्रत्याशी, इसकी बहुत छोटी सोच का ये व्यक्ति है, इसने पूरे चुनाव में अपनी सोच प्रदर्शित की है भाई,
पूरा हरियाणा का शमी आ गया यो आदमी। खासकर इस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहियो भाई, यो लड़ना हंडा है, इससे बच के रहियो भाई, यो लड़न झगड़न ना हंडा, दसूड़ मारा आदमी, हम भाज के जनू इसके लिए कोई लड़े तो इससे सारे साथी बच के रहियो भाई, कोई साथी इसके साथ झगड़ा ना करे, यो किसी ने कुछ कह भी दे तो मैं हाथ जोड़ू भाई, दूर हट लियो। ये मेरी प्रार्थना है अपने इस भाई के संदेश को, अपना व्यक्तिगत मेरा व्यक्तिगत संदेश समझना भाई, और कल सारे साथी पूरे अनुशासन और संयमता के साथ इस हार पहुंचे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।